फिलहाल अभी आके यहाँ पे रुके हुए डोवो का रिजर्व। सो व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड गाइस आज एक नया डे है और आज नया ड्राइव भी स्टार्ट होने वाला है गाइस। और अभी गाइस हम लोग जा रहे हैं कार्बी आलम, तो वहाँ पे गाइस एक फेस्टिवल है। तो क्या फेस्टिवल है क्या नहीं अभी तक से हमें भी इतना अच्छा से मालूम नहीं है, फिर भी गाइस देखते हैं क्या कुछ है, आप लोग को जाते जाते बता रहे हैंगे। और अभी कुछ दोस्त लोग भी आने वाला है, तो वो लोग कार्बी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उन लोग से भी थोड़ा बहुत पूछेंगे। तो वो लोग आने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। एंड काफी टाइम बाद मैं और हेम ब्रो, हे गाइस, मैं कैमरा के पीछे हूँ, कैमरा के पीछे हेम ब्रो। तो काफी टाइम बाद हम राइड कर रहे हैं और अभी तो राइड फिलहाल स्टार्ट हो चुका है, विंटर का सीजन तो आ चुका है गाइस। एंड अभी तो धमाका धमाका राइड मिलता रहेगा और अभी निकल चुके हैं और इधर देख सकते हैं हमारा बीस्ट पूरा रेडी हो गया है। तो अभी गाइस कुछ टाइम रुकते हैं उन लोग को और देखते हैं कब तक आते हैं भाई लोग, तो तब हम लोग ऐसे निकल जाएंगे। और तो गाइस इधर आ चुके हैं मंगल ब्रो और इधर है लोबो ब्रो गाइस। एंड काफी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं, करीबन एक साल हो गया ना भाई। हाँ, एक साल हो गया। तो गाइस अभी हम लोग जाने वाले, कहाँ जाने वाले? कार्बी आलम। कार्बी आलम क्या फेस्टिवल का नाम क्या था? कार्बी आलम डे का इस फेस्टिवल का नाम है। एंड सभी लोग को कार्दम, कार्दम का मतलब क्या होता है? नमस्कार है कि नहीं? तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और अभी हम लोग देख सकते हैं इधर बाइक पर ये हो गए, तो अभी जल्दी जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं सीधे राइट पे। सो गाइस अभी निकलते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी से, अभी काफ़ी टाइम हो गया गाइस, अभी अराउंड 10 बज चुका है, तो जल्दी जल्दी से पहुँचना पड़ेगा। तो रास्ता वही काफ़ी लॉन्ग है गाइस एंड रास्ते पे फ्यूल अभी करना पड़ेगा। ब्रो चलो चलो चलो, सो लेट्स गो गाइस। एंड गाइस अभी फिलहाल राइड स्टार्ट हो चुका है एंड अभी फिलहाल चलते हैं। एंड सो गाइस अभी फिलहाल पहुंच चुके हैं सोईवरी। एंड गाइस फ्यूल अप भी कर लेंगे आगे जाके, मतलब फ्यूल अप वगैरह नहीं करेंगे, वहीं पे फ्यूल अप वगैरह कर लेंगे। तो आगे एक छोटा सा पेट्रोल पम्प है, तो वहाँ पे जाके फ्यूल अप कर लेते हैं। और 1000 दीजिए। एंड गाइस फाइनली अभी तो निकल चुके एंड आगे भाई लोग चला गया है। एंड सीन क्या है कि हम लोग जाएंगे अभी सीधे तेजपुर, और हम लोग तेजपुर मेन टाउन होके निकल नहीं निकलेंगे, हम लोग तेजपुर यूनिवर्सिटी होके निकलेंगे, उधर से थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा शायद, शायद नहीं शॉर्टकट ही होता है, और वहाँ से सीधा निकल जाएंगे नौगांव के लिए। नौगांव बाईपास से हम लोग सीधे कार्बी आलम के रूट पकड़ लेंगे वहाँ से। एंड हम लोग का कार्बी आलम का राइड का मोटिव ये है कि हम लोग वहाँ पे जाए थोड़ा एक्सप्लोर करें, क्योंकि उस साइड पे आज तक मैं कभी नहीं गया हूँ कार्बी आलम साइड। वैसे तो गुवाहाटी आना जाना रहता है, लेकिन कार्बी आलम साइड आज तक नहीं गया हूँ, तो कैसा कुछ सीन रहता है देखते हैं जाके वहाँ पे। एंड गाइस आते आते पहुँच चुके हैं मेन हाईवे एंड दिस इज नोन एज पूर्वा चाइली, तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अभी सीधे हम लोग नौगांव के रूट पकड़ेंगे और वहाँ से सीधा निकल जाएंगे। और ये वाला रास्ता जो काफ़ी टाइम से बना रहा था, तो अभी भी बहुत ख़राब है गाइस ये रास्ता, जो तो बारिश का सीज़न में तो और ही बदतर से बदतर हो जाता है, और अभी तो काफ़ी हद तक मतलब ठीक ठाक ही है ये शॉर्टकट वाला जो रास्ता था। पूर्वा चार्ली, हाँ। तो हम लोग अभी पूर्वा चार्ली से सीधे नौगांव के वाले रूट पे जाएंगे और भाई लोग आ रहा है अभी। एंड एंजॉय द राइड गाइस एंड देखते हैं। एंड काफ़ी टाइम बाद इस वाले रूट पे आ रहे हैं एंड अराउंड 3-4 मंथ जैसा कुछ हो गया है आए नहीं है यहाँ पे। ओ माय गॉड, अभी आएगा मजा भाई, रास्ता देखो भाई, रास्ता देखो, इधर राइट गाइस। उन लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई लोग को? नहीं आ रहा है, कहीं पे रुक लेते हैं, यहाँ पे रुक लेते हैं ना, आगे चलो आगे चलो। नहीं, एक नंबर लगाए, आगे रुकेंगे ना यहाँ पे। ओके तो भाई यहाँ पे थोड़ा रुक देते, अभी तक से भाई लोग आया नहीं है तो थोड़ा सा पीछे हो गया है, तो यहाँ पे रुक लेते गाइस। इधर भाई लोग आ गए और अभी निकलते हैं यहाँ जल्दी जल्दी जल्दी। ए भाई क्या कर रहे हैं, स्टोरी पोस्ट कर रहे हैं?
अबे जल्दी जल्दी चलो यार, काफी टाइम हो गया अभी। सो गाइस लेट्स गो। ओ गाइस कोलियापुर का न्यू वाला गाइस ब्रिज ओपन हो गया है शायद, दैट्स व्हाई गाइस वो पुराना वाला रोड जो बंद कर दिया है। एंड ये गाइस बन ही रहा था जब मैं आया था, और फिलहाल ये वाला रोड ओपन कर दिया है पब्लिक के लिए। एंड देख सकते हैं गाइस, लुक एट द व्यू गाइस, गाइस व्यू देखो ना व्यू, क्या मस्त लग रहा है भाई। एंड गाइस ये कोलियापुमुरा ब्रिज है, और नीचे से गाइस नदी बह के जा रहा है जो कि गाइस कोलियापुमुरा नदी है बोला। तो गाइस विंटर के मतलब अभी का सीजन में ना गाइस सुबह और शाम को पूरा मतलब फोगी फोगी होके रहता है, और अभी तो फिलहाल नहीं है इतना। व्यू देखो भाई, और गाइस यहाँ गाइस रुक के फोटो वगैरह खींचने को मतलब मना है, नहीं तो हम लोग फोटो वगैरह खींचते क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है। एंड गाइस यहाँ पे फिर से एक नया से टूल गेट बैठ चुका है, एंड ये वाला गाइस कोलियापुर मतलब ज़्यादा टाइम आप लोग को मिल जाएगा तेजपुर से कोलियापुर। तो नया से गाइस यहाँ पे हाँ टोल गेट टू ना बेसी दिन होना है। एंड गाइस ये वाला टोल गेट जो है ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, करीब 2-3 मंथ्स कुछ ऐसा होगा, जगह जगह पे मतलब टोल गेट बैठ चुका है अभी तो। एंड नौगांव पाते पाते और मतलब एक टोल गेट मिल जाएगा। बाइकर्स लोग के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है गाइस, लेकिन कार गाड़ी बाड़ी के लिए प्रॉब्लम है गाइस। कुछ दिन बाद बाइक का भी टोल गेट करना शुरू कर देगा, टोल गेट बनाना शुरू कर देगा। अभी तो सिर्फ कार गाड़ी का किया है टोल गेट कटने का, तो अभी तो बाइक का फिलहाल नहीं किया है, शायद कर भी सकता है। रास्ता तो मत ही बोलो गाइस, चुई चुई। एंड गाइस हम लोग के यहाँ ना किसी चीज को मतलब हद से ज्यादा अच्छा लगने से मतलब चुई बोल के कहते, चुई मीन्स गाइस फायर। तो गाइस रास्ता पे पूरा चुई है मतलब फायर, मस्त रास्ता है गाइस। गाइस फिलहाल पहुंच चुके कोलियापुर फ्लाईओवर, तो यहाँ पे गाइस नया से फ्लाईओवर भी बन रहा है, तो अभी गाइस राइट टर्न लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे नौगांव वाले रूट पे। तो ये वाला गाइस नौगांव वाला रूट है, तो इसी से होके जाएंगे। एंड गाइस सफर जितना भी लंबा हो ना गाइस आस्ते आस्ते जाने पे ही मजा है, क्योंकि इतना स्पीड जाने में कोई मजा नहीं है, जितना स्पीड जाएंगे उतना थकान आएगा, इतना मतलब रिक्स भी हो जाता है। तो दैट्स व्हाई गाइस हम लोग आस्ते आस्ते से जाएंगे, राइड का मजा लेते हुए जाएंगे। मतलब क्या है जगह तो पूछेंगे, क्योंकि अगर अपना रिक्स पे अगर जाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग जगह ही पूछना है। एंड गाइस आस्ते आस्ते से जाएंगे, व्यू का मजा लेंगे और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि रात के दौरान कुछ हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। दैट्स व्हाई गाइस आस्ते आस्ते से जाएंगे, रूट जितना भी लंबा हो कोई बात नहीं है। तो आप भी कभी अगर राइड करेंगे तो जितना भी दूर नहीं होगा इस आस्ते आस्ते से जाना, बिकॉज घर पे भी मम्मी पापा रहता है, तो उन लोग का भी मतलब चिंता लगा रहता है बेटा कहाँ जा रहा है क्या नहीं क्या कर रहा है। दैट्स व्हाई गाइस आस्ते आस्ते जाना और इंजॉय लेते हुए जाना गाइस, और आस्ते आस्ते से गाइस जाने का ही मजा कुछ अलग होता है। आप कभी आस्ते आस्ते से राइड करके देखना साला, बहुत अच्छा अच्छा रोड बोल रहा था जाके अभी ये ऐसा रोड मिला है। देखो ना गाइस जगह जगह पे मतलब गड्ढा होके रखा है, मतलब रोड जो ना क्या है कि लोगों का मतलब लाइफ की तरह होता है ना। देखो गाइस कहीं पे गड्ढा कहीं पे मतलब अच्छा वाला रोड मिल जाता है, तो मतलब इंसान का लाइफ भी ऐसा ही होता है, कभी नरम कभी गरम ऐसा गाना है ना गाइस। कभी सुना है ऐसा गाना?
एंड देख सकते हैं थोड़ा दूर पहले हम लोग खराब रास्ता मिल गया था और अभी फिर से अच्छा रास्ता। तो इसलिए ना गाइस मैं कहता हूँ जिंदगी जो है ना हमेशा ऊंचा नीचा होता रहता है, कभी अच्छा रोड मिलेगा तो कभी बुरा रोड मिलेगा। तो अब गाइस जिंदगी और रोड का कंपेयर कर सकते हैं मतलब, क्योंकि रोड जैसा अबे कहाँ गुस्सा चला आ रहा है। अपना गाइस जिंदगी का सफर मतलब रोड से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि रोड जैसा मतलब आपका एग्जांपल नहीं होगा, क्योंकि रोड जैसा होता है ना, कभी आपको अच्छा रोड मिल जाता है कभी बुरा रोड मिल जाता है। तो जिंदगी का जो सफर है तो इसी तरह से कुछ होता है। और गाइस ये क्या स्कूटी है, इलेक्ट्रिक स्कूटी गाइस, इलेक्ट्रिक। हमें गाइस ना हमें धूल से बहुत ही नफरत है गाइस, धूल से बहुत ही नफरत है, धूल देखने से मतलब हालत खराब हो जाता है। एंड गाइस देख सकते हैं नौगांव पहुंच चुके हैं, नौगांव बाईपास। तो यहां से हमें लेना पड़ेगा लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न से होके जाएंगे तो हमें सीधा मिल जाएगा कार्बी आलंग वाला रूट, और राइट साइड से जाएंगे तो हमें मिल जाएगा नौगांव टाउन गाइस। एंड सीधे जाने से हम लोग को मिल जाएगा गुवाहाटी, तो हम लोग को जाना पड़ेगा लेफ्ट होके, तो इसी वाले रूट से होकर जाना पड़ेगा कार्बी आलंग गाइस। एंड ओह माय गॉड ट्रेड ऑडी साइड A4 है सर, ऑडी A4। ओह माय गॉड फर्स्ट टाइम गाइस इस वाले रूट पे, मैं गाइस पहले नहीं आया हूँ इस वाले रूट पे, इट्स माय फर्स्ट टाइम ऑन दिस रूट। रामदेव सिलचर दिमापुर ऐसा कुछ है। एंड गाइस देख सकते हैं इधर पूरा पहाड़। जो गाइस अभी हम लोग हिली एरिया की तरफ जा रहे हैं जो कि कार्बी आलंग, तो कार्बी आलंग गाइस एक हिली प्लेस है। देख रहे गाइस अभी से हम लोग को मतलब पहाड़ बाहर दिखना शुरू हो गया है। एंड गाइस देख सकते हैं, एंड गाइस काफ़ी टाइम बाद ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है। और आगे आगे भाई लोग चला गया है एंड देख सकते हैं। गाइस व्यू देखो भाई, ओए कहाँ पे रुकेगा, हाँ टोवो का तो मिल गया है। इस यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं, भाई लोग भी रुक लिया है, थोड़ा मूत्र विसर्जन करेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। गाइस फिलहाल अभी आके यहाँ पे रुके हुए हैं टोवो का रिजर्व जो यहाँ पे है, तो फॉरेस्ट रिजर्व है गाइस, और यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं और इधर भाई लोग हैं। तो गाइस अभी अराउंड यहाँ से अराउंड 150 किलोमीटर कुछ ऐसा होगा दीपू टाउन तक, मेन कार्बी आलंग तक। तो अभी देखते हैं कब तक वहाँ तक पहुँचते हैं, जहाँ शायद शाम हो जाएगा। एंड कुछ ऐसा रिजर्व का व्यू है यहाँ का, तो ऐसा कुछ सीन है। तो एंड गाइस दो रूट है, तो इस वाले रूट से है मतलब थोड़ा मतलब ट्रैफिक आना जाना रहता है, उस वाले रूट से मतलब जाने से जल्दी जल्दी पहुंच सकते थे, लेकिन भाई ने इधर ही आ गया तो अभी इधर से ही जाएंगे। तो आते टाइम शायद देखते हैं कौन सा वाला रूट से आते हैं। तो गए अभी यहां से निकलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। और गए आज का वीडियो जो कार्बी आलंग का राइड था वो दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी फिलहाल यहां से रूट चलते हैं और यहां से एक नया व्लॉग स्टार्ट होने वाला है। तो एंजॉय द व्यू, एंड अभी कार्बी आलंग राइड स्टार्ट हो गया गए, क्या कुछ होता है। जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं और इधर भाई लोग भी चला गया है। तो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो।